दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पंजाब के एक शानदार पशुपालक से मिलवाएंगे जो कि शानदार पशुधन पे काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार बुल रखता है। तो हाँ जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं सर। हाँ जी, मेरा नाम है गुरतेज पन्नू जी, गांव का नाम है कालख, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना है। तो आपके बुल में सर क्या खास बात है सर? इस बुल की प्रोजनी आ चुकी है, इसकी पहली ब्यांत वाली चोटी ने फर्स्ट बार पीक पर 18 किलो 900 ग्राम दूध निकाला है लाइव। 18 किलो 900 ग्राम लाइव। कहाँ पे निकाला सर ये आपके? फेसबुक पे, घर अपने अपनी डेयरी फार्म पर ही निकाला है। रिकॉर्ड क्या है सर इसका, मदर फादर का? इसकी मदर का रिकॉर्ड 25 प्लस का है, इसके फादर की मदर का रिकॉर्ड 23 प्लस का है। फादर की कटनियां घर पे आई हैं, दूसरी तीसरी ब्यांत में 20 प्लस कर गई। कितनी एज हो चुकी है सर इस बुल की? इस बुल की 8 साल एज हो गई जी। तो अभी तो सर काफी बच्चे आ गए होंगे। हाँ जी, काफी बच्चे आ चुके हैं। इसकी 12-13 कटड़ी दूध पे आ गई फर्स्ट ब्यांत में। जी जी। तो कितनी एवरेज आई है सर? एवरेज 13-14 किलो से कम कोई नहीं कटड़ी आई इसकी, चाहे कोई 8 किलो से आई है, चाहे कोई 10 किलो वाली भैंस से आई है, कोई भी कटड़ी कम नहीं आई इसकी। तो देख सकते हैं दोस्तों ये है बुल। सर किस नाम से आप इसको सेल करते हो? इसका सीमन बली पन्नू फार्म के नाम पे सेल है इसका सीमन। जी, प्राइस क्या है सर? 200 रुपया प्राइस रखा है जी हमने। जी, तो एक बुल आपका और है सर, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, इसका नाम बुलंद है जी। हाँ जी, इसकी क्या खास बात है सर? इसकी मदर, एक ही मदर के बच्चे हैं दोनों ये। इसकी माँ का रिकॉर्ड भी, बली की माँ का रिकॉर्ड 25 प्लस का है। ये सिंगवा वाले हीरे का बच्चा है जो हिसार के पास से है। हाँ जी। कितनी एज हो चुकी है इसकी? 4 दांत हो गया जी। तो देख सकते हैं 4 दांत, बहुत शानदार बुल है। बच्चे इसके आ चुके हैं घर पर, अपने फार्म पर ही आए हैं। अभी दूध पे नहीं आए होंगे? दूध पे नहीं आए जी, अपने फार्म पर ही आए हैं। इसके कटरे आए, कटड़ी आई हैं अपने फार्म पर। जी, तो पन्नू जी आपसे पूछना चाहूंगा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक पशुपालन का? देखो, जो जो मेहनत करेगा, ब्रीड पे काम करेगा जी, उसकी ब्रीड तो सुधरेगी जी। जो कद काठी देख के सीमन लगवाएगा जी, फूल देख के लाल फूल लग गया उसका सीमन लगवाएगा, वो ब्रीड नहीं सुधार सकता जी। ब्रीड सुधारने के लिए सबसे पहले मिल्क जरूरी है जी। जिस बुल का सीमन यूज करना है उसकी पूरी पेडिग्री देखो, उसकी माँ का दूध कितना, उसके बाप कौन है, उसका कैसी कौन सी लाइन का बुल है, जो ये सब बातें आप ध्यान से देखोगे, उस खोजबीन करोगे तो आपकी ब्रीड सुधर सकती है। तो सर पंजाब में काफी सीमन लगता है, ओबली केसी का बहुत सवाल है। हाँ, तो आप सर डायरेक्ट देते हो? डायरेक्ट देते हैं जी हम फार्मरों को जी। कैसे कांटेक्ट कर सकता है सर आपसे? हमारा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 6280-7049-40। नाम और एड्रेस ही बता दें सर। गुरतेज पन्नू, गांव का नाम कालख, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना जी। एक नंबर और चलता है 98-557-14-711। दोस्तों ये थे पन्नू जी। तो सर आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।